जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी ISP नासिक जूनियर टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किए थे, उन छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर मौका है कि उनका जो है रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। आपको जो है किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है, कि किस प्रकार से मेरिट लिस्ट चेक करनी है, कि आपको जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। यह जो है भारत प्रतिभूत मुद्रालय नासिक रोड की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई। अ यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई थी। यह जो है जूनियर टेक्नीशियन की जो है वैकेंसी निकाली गई थी। अगर आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाके जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो है क्या कहते हैं ISB नासिक जूनियर टेक्नीशियन का जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उन छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि यह रिजल्ट जो है 1 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था। आपको इसमें के किस किस प्रकार से जो है आपको जो है अपना रिजल्ट चेक करना है, कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है या नहीं आया है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा, दे दूंगा। वहां से जाके भी जो आप जो है अपना मेरिट लिस्ट जारी करके अपना जो है नाम चेक कर सकती है। जो क्वालिफिकेशन थी इसकी, जो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो है वैकेंसी निकाली थी। जो पोस्ट थी यह क्या कहते हैं जूनियर टेक्नीशियन की तरह जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ISB नासिक रोड की जो है लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो आपको जो है किस प्रकार से जो है अपना रिजल्ट या मेरिट लिस्ट चेक करनी होगी, कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है या नहीं, किस प्रकार से जो है आपको जो है अपना रिजल्ट चेक करना होगा। तो जो है जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो लिंक दिए गए, इस लिंक पर जो है क्लिक करेंगे। इस लिंक पर जो है सीबीटी मार्क लिस्ट, यह क्या कहते हैं जो सीबीटी मार्क लिस्ट यहाँ पर होगी, और ये जो है ISB नासिक जूनियर टेक्नीशियन के जो फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि फाइनल रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगी। मेरिट लिस्ट में आप जो है अपना नाम चेक कर सकते हैं। आइए आप सभी को मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से आप जो है चेक कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं इसके जो ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, उसके मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या कहते हैं वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो थी, यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, जनरल कैटेगरी दी गई है, यहाँ पर मेल जेंडर दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, और क्या कहते हैं मार्क्स नंबर दिए गए हैं। यह क्या कहते हैं खेतान सुधीर अपडेट के लिए है। क्या कहते हैं जो जूनियर टेक्नीशियन के, यहाँ पर यह जूनियर टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पर देखिए, आपको जो है वीडियो जूम करके के भी या वीडियो को पॉज करके भी जो है अपना चेक कर सकते हैं, नाम चेक कर सकते हैं इसमें आपका जो है नाम आया है या नहीं आया है। यह जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए है। इकोनॉमिकल वीकर सेशन की जो है, यहाँ पर यह इकोनॉमिकली अलग अलग पोस्टों के लिए जो है निकाली गई थी। इसमें इसके लिए ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो है, ये अदर बैकवर्ड क्लास जो OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम शेड्यूल कास्ट SC के लिए, ये SC वालों की लिस्ट है। और इसके बाद जो है ये ST कैटेगरी के लिए थी। यहाँ पर ये जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए, या फिर जूनियर कंट्रोल के लिए है। और ये जो है हमारी क्या कहते हैं अनरिजर्व, जो अनरिजर्व सीटें थी उनकी है मेरिट लिस्ट। यहाँ पर इस प्रकार से जो है अपना देख सकते हैं कि मेरा नाम जो है आया है या नहीं आया है। यह जिन भी विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उन छात्रों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो है आप जो है एक कदम शिक्षा की ओर जो है आप जो है अपना ज्वाइनिंग किस प्रकार से लेंगे, ये सभी जो है मेरिट लिस्ट इस प्रकार से जो है आप जो है अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके जो है आप जो है अपना जो है मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना जो है चेक कर सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है या नहीं आया है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स में भी दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, यहाँ पर देखिए ये क्या कहते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपके पास जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे यहाँ पर, और भी यहाँ पर जो भी विद्यार्थी जो है क्या कहते हैं अपना जो फुल फॉर्म जो फिलअप किए हैं वो जो आपके वो रिसीविंग भी लेके जाने पड़ेगी वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जिन भी विद्यार्थियों का नाम आ चुका है उन छात्रों को बहुत बहुत ही धन्यवाद है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।